एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थीं वो जल्द ही ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है, पर कहीं ना कहें उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वो मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो ना था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वो अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंड पंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वो तेज़ी से हैंडपम्प चलाने लगा, लेकिन हैंडपम्प तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दी गई। वो किसी तरह उसकी तरफ लपका। वो उसे खोलकर पीने ही वाला था, तभी उस बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपम्प चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर कर रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपम्प में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोल ली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1, 2, 3 और हैंडपम्प से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भर कर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़ कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह काम करता है। दोस्तों, ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी सी बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और इस कहानी से भी ये शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी हमारी ज़िंदगी में वैल्यू है। किसी के लिए ये ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपम्प में डालना होता है, और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। थैंक यू।